अरे अरे सुन, कोई बिक्री ना हुई क्या आज? लाला जी मंदी चल रही है। अच्छा जी, 50 वाले चावल लोगों को सस्ते लग रहे हैं, 100 वाले ज्यादा महंगे लग रहे हैं। अरे कोई सा भी बिक नहीं रहा है। अच्छा ये बात है। अच्छा सुन, बोलिए। एक काम कर, बताओ। 100 रुपए किलो वाले चावल निकाले 1 किलो। अच्छा निकाल रहा हूँ। और 1 किलो निकालिए 50 वाले। ठीक है, निकाल लिए। हाँ निकाल लिए। अब इन दोनों को तू मिला दे आपस में। लो ये मैंने मिला दिए। ठीक है, कितने किलो चावल हो गए? ये हो गए 2 किलो। 2 किलो हो गए, ठीक है। और कितने रुपए के हो गए? ये हो गए 150 रुपए के। 150 रुपए के हो गए ना, तो 1 किलो कितने के हो गए? 1 किलो 75 का। 75 का हो गया, ठीक है। अब इसको भेज देंगे हम। इससे क्या होगा? अरे इससे ये होगा मूर्ख के, ये जो 100 रुपए के वाले चावल महंगे लग रहे हैं लोगों को, वो सस्ते खरीद लेंगे 75 वाले। और ये जो 50 वाले सस्ते लग रहे हैं ना, वो थोड़े बढ़िया क्वालिटी समझ के 75 वाले खरीद लेंगे, तो दोनों ही हमारे चावल बिक जाएंगे। वाह लाला जी, आप तो बड़े समझदार हो। अरे तो ऐसे ही थोड़ी लाला बन गया मैं। दोस्तों अभी जो आपने देखा, यह एक क्वेश्चन था जिसको मैंने लाइफ दे दी। ये क्या है? यही मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है कि जब आपको कोई 2 क्वांटिटीज दे रखी हो, उनको मिलाकर आप एक तीसरी क्वांटिटी बना दें, यही आपका मिक्सचर है। इस बनिए ने क्या किया, इसने भी यही किया कि ना तो 100 रुपये किलो वाले चावल बिक रहे ना 50 वाले बिक रहे, कि दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया और 75 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताइए किस रेशो में चावल मिलाए गए, या अगर उसको प्रॉफिट पे बेचना हो तो वो कैसे बेचे। अब देखिए इसने 75 में बेचे, अगर ये 80 रुपए किलो बेच देता तो ये प्रॉफिट पे बेचता। अब अगर हमें पता करना हो कि ये किस रेशो में मिलाए गए हैं, उसका क्या मेथड है, आइए वो सिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 2 क्वांटिटीज आपको दी गई होंगी वो आपको ऊपर लिख लेना है, ये मैंने लिख दी है। अब उनसे जो मिलाकर तीसरी क्वांटिटी बनाई है ना, वो आपको इनके बीच में नीचे लिख देनी है, इस तरह से मैंने ये लिख दी है। अब आपको क्या करना है, आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके लिखना है। किस तरीके से लिखना है वो तरीका देखिए आप। यहां पर अगर मैं बड़ा देखूं तो वहां पर 100 बड़ा है, और वहां पे से मैं 75 माइनस करूंगा, मतलब आपको ऐसे क्रॉस में माइनस करनी है। तो 100 में से 75 माइनस करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये मैंने यहां पर माइनस करके लिख दिया। क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस। अब अगर मैं इधर से माइनस करूंगा तो इधर 75 बड़ा है, तो मैं 75 में से 50 माइनस करूंगा तो इधर भी माइनस होकर 25 आएगा। हमें इस तरीके से क्रॉस माइनस करनी है, ये मैंने कर दी। 25 से 25 कट जाएगा तो 1:1 का रेशो आएगा। ये जो आया ये रेशो आ गया कि दोनों क्वांटिटीज जो हैं, दोनों चावल जो हैं 50 वाले और 100 वाले, वो 1:1 की रेशो में मिलाए गए, मतलब इक्वल मिलाए गए हैं। बनिए ने भी यही किया था, दोनों चावल 1-1 किलो निकलवाए थे, है ना, इक्वल निकलवाए थे। तो इस तरीके से आप इस मेथड का यूज करते हुए रेशो निकाल सकते हैं, और इस मेथड का नाम है एलिगेशन। एलिगेशन को चैप्टर नहीं है, ये एक मेथड है कि जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में करवाऊंगा भी। तो ये आपका एलिगेशन मेथड है। आइए आप समझते हैं एक लिक्विड का केस कि अगर दूध और पानी मिलाया जाएगा, कोई तेल मिलाया जाएगा, या कोई भी लिक्विड मिलाया जाएगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूध में पानी मिला दूं, वैसे भी लोग गाढ़ा दूध पी पीकर बहुत मोटे हो रहे हैं। किसका फोन आ गया? मालिक। हाँ मालिक। अरे दूध में पानी मिला लिया ना? अरे मालिक वही कर रहा था। अच्छा एक काम करिए जी, ऊपर का पानी वाला दूध शर्मा जी को दियो। अच्छा। और नीचे का गाढ़ा वाला दूध वर्मा जी को दियो। अच्छा। वर्मा जी ट्रैफिक पुलिस में है, तेरा चालान नहीं करेंगे। मालिक बावड़े हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? तो क्या हुआ है मालिक, अब क्या गाढ़ा क्या पतला, दूध में पानी मिल गया, कहीं से भी दूध निकालो पानी मिल के जाएगा। बात तो तेरी सही है। और क्या, ये तेरे को किसने सिखाया? मालिक डियर सर देखा करो, वो सिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर लेना। अच्छा हाँ, दिल्ली से भेज बाद में निलाई हो, जाके उनको फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दूध वाले ने क्या किया, दूध वाले ने 9 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब एक मिक्सचर तैयार हो गया है, और उस मिक्सचर में दूध और पानी का जो रेशो होगा वो 9:1 होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अगर मैं टोटल मिक्सचर की बात करूंगा तो वो कितने लीटर का हो जाएगा, 10 लीटर का हो जाएगा। अब जो मैं आपको समझाऊं ना, बहुत ध्यान से समझना। देखिए मान लेते हैं कि इस मिक्सचर में से उस दूध वाले ने किसी को 2 लीटर दूध दे दिया, 2 लीटर
दूध दे दिया, लेकिन 2 लीटर दूध नहीं गया। जी हाँ, दूध 2 लीटर नहीं जाएगा, क्यों? उसमें पानी भी मिला हुआ है, तो पानी भी जाएगा। पानी कितना जाएगा ये बात सोचने वाली है। तो मेरे प्यारों, ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई मिक्सचर हमें दे रखा हो, उसमें दो चीज़ें किसी रेशो में मिली हुई हो, अगर हम उसमें से कोई थोड़ा सा अमाउंट निकाल लें, तो जो अमाउंट निकलेगा ना, उसमें भी वो दो चीज़ों का रेशो वही रहेगा जो टोटल मिक्सचर में था। ये बात ध्यान रखना। क्या बोल गया मैं, समझा रहा हूँ, मैं ये बोल गया कि भाई यहाँ पर दूध और पानी का रेशो 9:1 है, तो ये जो 2 लीटर दूध निकला है ना, इसमें भी दूध और पानी का जो रेशो है वो 9:1 ही रहेगा। जी हाँ, अब देखिए, इस 10 लीटर में से ये 2 लीटर निकल गया, कितने लीटर बचा होगा? 8 लीटर बचा होगा अगर मैं टोटल की बात करूँ तो। अब यहाँ से 10 की जगह बचा है ये कितना? 8 लीटर। अब ये 8 लीटर जो बचा है, इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है? इसमें भी रेशियो वही रहेगा जो पहले वाले में था। जी हाँ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए 3 बातें निकल के आ गई हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि जो रेशियो हमें दो चीज़ों का दिया गया हो, अगर हम उसमें से कुछ अमाउंट निकाल लें, तो जो अमाउंट निकाला है उसमें भी उन चीजों का रेशो वही रहेगा, और जो अमाउंट बच गया है, जो बच गया है उसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो सेम ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना, रेशो चेंज नहीं होगा। हाँ, अमाउंट चेंज हो जाएगा, रेशो लेकिन चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये हैं, ठीक है, मैं गरीब आदमी, मेरे पास 5 रुपये, आप अमीर आदमी, आपके पास 10 रुपये, तो अगर मैं हम दोनों के रुपयों का यहाँ पर रेशो निकालूं तो कितना आएगा? 1:2 निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे हम किसी और दो व्यक्तियों को ले लेते हैं, एक के पास 50 रुपये हैं, दूसरे के पास 100 रुपये हैं, इनका रेशो निकालूं, इनका भी 1:2 निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर अब देखिए रेशो सेम है, 1:2 हमारा भी, 1:2 उनका भी, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। यहाँ पर 5 रुपये हैं, यहाँ 50 रुपये हैं, तो यही केस यहाँ पर है। यहाँ पर भी 9:1 है लेकिन अमाउंट अलग है, यहां पर भी 9:1 है लेकिन अमाउंट अलग है, यहां पर भी 9:1 है लेकिन अमाउंट अलग है। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। अब कितना कितना है, बात करते हैं 2 लीटर जो उसने दूध दिया है, ठीक है, पानी मिला हुआ दूध दिया है, उसमें कितना दूध गया होगा? तो यहां पर अगर मैं 9:1 की रेशियो निकालूंगा 2 लीटर से, तो यहां पर डिवाइड बाय 10 होगा, इनका सम आएगा, तो यहां पर 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और 0 के बदले दोनों में यहाँ पर पॉइंट लगेगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि उसमें सिर्फ 1.8 लीटर दूध गया है और उसमें 0.2 लीटर क्या गया है? पानी मिल के गया है। तो जब जाके वो 1.8 और 0.2 मिलकर वो 2 लीटर का पूरा बन गया है। तो इस तरीके से वो मिलावट हुई है। अब मैं बात करूँ बचे हुए में कितना दूध और कितना पानी बचा होगा, तो मैं यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 × 72, तो मतलब 7.2 लीटर इसमें दूध जो है वो बचा है, और मैं बात करूंगा पानी की, तो 8 × 8 0.8 लीटर यहां पर प्योर पानी बचा होगा इस बचे हुए वाले मिक्सचर में। तो ये बात देखिए, अब सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना दूध, यहाँ पर मिक्सचर तो 8 लीटर है लेकिन उसमें जो दूध है ना वो फिर सिर्फ 7.2 लीटर है। ऐसे यहाँ पर उसने 2 लीटर दूध दिया लेकिन सिर्फ दूध गया है 1.8 लीटर और यहाँ पर पानी मिलके गया 0.2 लीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये बातें हमने सीख ली, इनका हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे, आइए अब मैं वो बताता हूँ आपको। यहीं से क्वेश्चन बना लेता हूँ मैं इसी सवाल से। क्वेश्चन मैंने ये बनाया, मान लेते हैं कि किसी मिक्सचर में हमारे पास दूध और पानी की जो मात्रा है वो 9:1 है, मतलब इस रेशो में दूध और पानी मिले हुए हैं, ये मैंने मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सवाल में हमसे कहा गया कि इसमें 4 लीटर दूध डाल दिया गया, क्या हुआ? 4 लीटर सिर्फ दूध मिलाया गया, और ऐसा करने के बाद ये रेशो जो है 14:1 रेशो हो जाती है, ठीक है, ये सवाल बन गया। तो हमसे कई सारी चीज़ें पूछ सकता है, मान लीजिए यहाँ पर हमसे पूछ ले तो बताइए शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी, ठीक है, या हमसे पूछता तो बताइए शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, बाद में दूध की मात्रा कितनी हो गई, या बाद में पानी की मात्रा कितनी हो गई, ठीक है, चारों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। कैसे निकालोगे? अब मैं आपको वो तरीका सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना।
सवाल समझ में आ गया क्या है? हमें एक रेशो दे रखा है, उसमें हमने 4 लीटर दूध मिला दिया तो रेशो ये हो जाता है, तो बताइए शुरू में पानी कितना था। अब करना कैसे सॉल्व है देखिए, यहाँ पर ध्यान आपको देना है, रेशो का ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर रेशो पहले पानी की 1 थी वो बाद में भी 1 है, मतलब पानी के रेशो में कोई भी चेंज नहीं है। और क्या हमने इसमें पानी मिलाया है? पानी तो नहीं मिलाया, तो यहाँ पर इसका मतलब पानी ठीक है, पानी में कोई गड़बड़ी नहीं है, पानी हमने मिलाया भी नहीं तो इस वजह से रेशो उसकी चेंज हुई भी नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, 9 यूनिट जो दूध था ना उसमें हमने 4 लीटर पानी मिलाया तो वो 14 यूनिट बन गए, यहाँ पर दूध चेंज हुआ क्योंकि हमने सिर्फ दूध ही मिलाया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यूनिट जो है वो 9 से 14 बन गए, कितने यूनिट बढ़ गए, 5 यूनिट बढ़ गए, कितने बढ़े, 5 यूनिट जो है वो बढ़ गए। किस वजह से बढ़ गए, 4 लीटर दूध मिलाने से बन गए, ठीक है, 4 लीटर दूध मिलाने से 5 यूनिट बढ़ गए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5 यूनिट जो है वो 4 लीटर के बराबर हैं, कह सकता हूं बिल्कुल। अब अगर मुझे एक यूनिट निकालना हो कि एक यूनिट कितने का होगा, यहां पर 4 है ये 5 जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो जब मैं 5 से 4 को डिवाइड करूंगा तो यहां पर ये आएगा मेरा 0.8548 होते हैं, तो इसका मतलब एक यूनिट जो है वो 0.8 लीटर के बराबर है। अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि पानी की मात्रा कितनी थी शुरू में, तो पानी तो एक यूनिट था, इसका मतलब शुरू में पानी 0.8 लीटर था, ठीक है। अगर मुझसे पूछ लिया जाता कि शुरू में दूध कितना था, तो यहाँ पर मैं 9 की मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा, तो 9 × 8 = 72, 7.2 लीटर जो था वो शुरू में दूध था, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ शुरू में दूध इतना था और शुरू में पानी इतना था, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब मैं बाद की बात करूँगा, देखिए यही तो आंसर था हमारा, ठीक है, 9:1 ही था हमारा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसमें 4 लीटर पानी मिला दूँ, ठीक है, इसमें क्या होगा, 4 लीटर दूध मिलेगा, बल्कि पानी थोड़ी मिलेगा। अब मैं इस दूध में प्योर में 4 लीटर दूध मिला दूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा मैं 7×4 = 11.2 और ये हो जाएगा मेरा कितना 0.8, ये हो गया मेरा। अगर मैं 0.8 और 11.2 को जोड़ूंगा तो 11 और 8 और 0.8 और 0.2 हमारा 10 हो जाएगा, मतलब 1 बन जाएगा, तो 11 और 1 टोटल कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा टोटल 12 लीटर का। इस तरीके से टोटल मिक्सचर निकल के आ जाएगा बाद में, कि बाद में टोटल मिक्सचर कितना था जी, 12 लीटर का था। और हाँ देखो, हमारे पास 8 लीटर दूध बचा था, अगर इसमें मैं 4 लीटर दूध और मिला दूंगा, ठीक है, 8 लीटर का मिक्सचर बचा हुआ था, बल्कि मिक्सचर में अगर मैं 4 लीटर दूध मिला दूंगा तो 8 और 4 कितने लीटर हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा लास्ट पे। सब कुछ क्लियर है, ठीक है, ऐसे आपको करना है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये हमारा दूध वाला था, इससे पहले हमने वो समझ लिया सामग्री वाला। आइए अब कुछ एग्जाम में पूछे हुए सवाल और कर लेते हैं, उनको भी आपको सिखाता हूं, फिर जाके सवाल करना एग्जाम में, पूरे नंबर लेके आना। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पहले लिए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको कुछ सिखाना भी उसमें मुझे। देखिए यहां पर सवाल है कि एक दुकानदार 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दो चावल है, देखो करना कैसे है, यहां पर हमारे पास एक चावल है 30 रुपए किलो वाले, एक चावल है 40 रुपए किलो वाले, उनको हम किस रेशो में मिलाएं कि वो कितने रुपए किलो के हिसाब से बेच दें, हम 33 रुपीज प्रति किलो, ठीक है, इसके हिसाब से हम बेच दें। मैंने आपको क्या बताया, जो भी बिग और स्मॉल हमें दे रखा हो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, ये मेरे स्मॉल लिखा, ये बिग, अब जो भी हमें जितने में बेचना है वो हम बीच में लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे क्रॉस माइनस, तो यहां पर इसमें से बड़े में से छोटा माइनस करके हम लिखेंगे यहां, तो 40 में से 33 जाएंगे कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, ऐसे ही बड़े में से छोटा माइनस होगा, यहां पर से 33 में से 33 माइनस होगा तो ये आपका बचेगा 3, तो ये जो आएगा ये इनकी रेशियो होगी, तो 7:3 की रेशियो में उनको मिलाया जाएगा। इससे भी सवाल करना है, देखो मतलब 7 किलो ये चावल मिलेंगे और 3 किलो ये मिलेंगे, देखो यहां पर 30 वाले चावल 7 किलो मिलाएंगे तो 3×7=21 210 रुपए के हो जाएंगे, और ये 40 वाले 3 किलो हो जाएंगे तो 4×3=12 120 रुपए के ये हो जाएंगे, तो 0 ये आ जाएगा 33, और ये कितने हो जाएंगे 7×3=10 किलो चावल हो जाएंगे, 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो 1 किलो का हमारा 33 ही आ जाएगा। इस तरीके से करना था, ये बहुत बेसिक था, आपको सिर्फ समझाया कि ऐसे करना था। अब देखो अगले सवाल में एक नई चीज है, यहां पर सवाल है कि 36 रुपए प्रति किलो दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, यहां पर हमारे पास दूध है 36 रुपए लीटर वाला, इसमें हम किस अनुपात में, ठीक है, हम कितना पानी मिलाएं कि हमारे पास दूध जो है, जो हमारे पास मिक्सचर बन जाए वो कितने का हो जाए, वो 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। अब यहां पर आप फंस जाओगे, क्यों फंस जाओगे, आपको यहाँ पर पानी नहीं दे रखा कि पानी जो है वो कितना मिलाना है, हमसे सवाल में कहा गया है कि 36 रुपए प्रति किलो दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए, तो पानी कितना लेंगे। तो मेरे प्यारों सुन लो, इन सवालों की दुनिया में दिल्ली सरकार है,
जी हाँ, मतलब दिल्ली सरकार पानी फ्री दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी सवाल आपके मिक्सचर एलिगेशन में बनेंगे जहाँ पर आपको पानी डालना पड़ेगा, पानी फ्री का है। जी हाँ, पानी फ्री है, पानी की कोई वैल्यू नहीं। जब भी आप पानी मिलाएंगे तो वहाँ पर आप जीरो रख देना, बस यही चीज़ सिखानी थी आपको, लाइक कर देना इसी बात पे। तो यहाँ पर पानी हमने क्या रख दिया, पानी की कोई वैल्यू नहीं है, पानी फ्री का है, पानी की वैल्यू हमने जीरो रख दी। अब क्या करेंगे, वही बड़े में से छोटा माइनस, तो अब क्या हम यहाँ से ये माइनस करें, नहीं, बड़ा कौन है, 28 है, तो 28 में से जीरो माइनस होगा तो यहाँ पे 28 बचेगा। अब यहाँ पर बड़ा कौन है, यहाँ पर बड़ा ये है, ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर इस केस में बीच में बड़ा हो, बड़े में से छोटा, बस ये ध्यान रखो आप। तो यहाँ पर बड़ा है ये, 36 में से हमारे पास ये 28 जाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो ये 8 बचेगा, तो ये हमारे पास इसकी रेशियो बनेगी 28:8, ठीक है, इसको काट सकते हैं, ये हमारा कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 × 2 = 8 और 4 × 7 = 28, तो 7:2 की रेशो में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो दूध और पानी जो है वो हो जाएगा, जब हम मिला देंगे तो 28 रुपये के हिसाब से वो दूध हम बेच सकेंगे। इस तरीके से ये बेसिक सवाल थे, एक नई चीज़ सिखानी थी पानी वाली, और ऐसे करना था। आइए अब मैं आपके लिए लेता हूँ एक सवाल जो एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। इस सवाल में एक और नई चीज सीखेंगे आप, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती जा रही है। यहां पर सवाल है कि एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलो वाले घी को 50 रुपए प्रति किलो वाले घी के साथ मिलाकर एक मिक्सचर को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है, किस अनुपात में दोनों घी मिलाए गए हैं। यहां पर अलग बात क्या है, देखिए समझाता हूं। यहां पर हमारे पास एक घी है 100 रुपये वाला और दूसरा घी है 50 रुपये वाला। हमसे ये कह रहा है कि दोनों को 96 रुपये का बेचकर दुकानदार 20% का लाभ कमाता है। 96 रुपए का बेचकर मतलब 96 रुपए का बेचने के बाद वो प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 96 रुपीज हैं इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है, लेकिन यहां पर जो इसने मिक्सचर बनाया होगा वो हम ये वाला थोड़ी लेंगे, 96 थोड़ी रखेंगे यहां पर, इसमें तो प्रॉफिट ऐड हुआ है। प्रॉफिट तो उसको जब मिला होगा ना, जब उसने वो बेचा होगा, तो बेचने से पहले कितने रुपए का उसने रखा होगा अमाउंट, वो हमें पता होना चाहिए। यहां पर अगर आप 96 रख के सॉल्व करेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, ये प्रॉफिट वाला बेचने के बाद वाला है, हमें तो बेचने से पहले वाला निकालना है। कैसे निकालना है देखिए सिखाता हूं। यहां पर 96 रुपए जो है ये किसी नंबर का 120% है। क्यों है 120%, वो नंबर 100% अपने आप में पूरा हो गया, उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट मिला, जब जाके 96 रुपए हमें मिलते हैं, तो इसका मतलब वो नंबर 96 जो है किसी नंबर का 120% है, तो वो नंबर क्या होगा, उसके लिए 100 नीचे से डिवाइड से जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 120 मल्टीप्लाई से हट के डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर ये हो गया। अब मैं यहाँ से x निकालूंगा तो 24 चौक 96 होते हैं, 24 पंजे 120 होता है, 5 से जाएगा 20 बार और 20 चौक 80, इसका मतलब x जो है हमारा वो 80 निकल के आया है। इसका मतलब ये जो उसने मिक्सचर बनाया था ना, और यहाँ पर इसने बीच में जो घी बनाया वो उसने 80 रुपये का था, 80 रुपये का घी बनाया, फिर जिसको उसने 96 रुपये पर बेचा, जब जाके उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है किस रेशो में, तो क्या करना है, बड़े में से छोटा, ठीक है, बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पर से ये 80 में से 50 जाएगा, यहाँ पर 30 बचेगा, यहाँ पर बड़ा कौन है, ये बड़ा है, 100 में से 80 जाएगा तो यहाँ पर 20 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगी, मतलब 3:2 की रेशो में उनको मिलाया जाए कि वो क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 80 रुपए का जो उसने घी बेचा है और इस पर उसने 96 का इसको बेचा, जब जाके उसको 20% का फायदा हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो अगर आपको ऐसा फायदा दिया जाएगा तो आप पहले उससे जो उसकी मेन सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उस पे आप आएंगे, इस तरह से उसको निकालेंगे। अगर आपको लॉस दिया जाएगा तो आपको उतने परसेंट उसको बढ़ाकर फिर ये अमाउंट निकालना पड़ेगा, ये दोनों बातें आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है। आइए अब एक और थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल लेते हैं, आइए एग्जाम में पूछे हुए सवाल लेते हैं, और अब देखिए कितनी जल्दी ये सवाल होगा ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमारा। देखिए सवाल लिखा हुआ है कि अ जार कंटेंट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स एंड बी इन द रेशो 4:1, के हमारे पास एक जार है, एक बर्तन है, उसमें दो लिक्विड हैं, एक ए है एक बी है, और उनकी जो रेशो है वो 4:1 की रेशो में मिले हुए हैं। अब क्या होता है, व्हेन 10 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट, 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट सिखा रखा है मैंने अभी आपको, ये 10 लीटर
लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया एंड 10 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी वॉज पोर्ड, और उसके बदले 10 लीटर सिर्फ मिक्सचर बी लिक्विड भी डाला गया उस मिक्सचर में। समझ में आई बात? हमारे पास एक मिक्सचर था ए और बी का, उसमें 4:1 की रेशियो में वो मिले हुए थे, उसमें से 10 लीटर हमने मिक्सचर निकाला, उसके बाद 10 लीटर सिर्फ हमने बी लिक्विड डाला है, ये ध्यान रखना, मिक्सचर नहीं डाला है। अब आगे क्या होता है, दिस रेशियो बिकम 2:3, और वैसा करने पर जो रेशियो है 2:3 बन जाती है। तो हमें क्या बताना है, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड बी की क्वांटिटी बतानी है कंटेंट इन द जार इनिशियली वास के स्टार्टिंग में कितनी थी ये बतानी है। देखिए हमारे पास क्या है, दो लिक्विड है ए और बी। अब देखिए कितनी आसानी से होगा ये सवाल, ए और बी लिक्विड है, पहले उनकी रेशियो थी 4:1, इसमें से पहले 10 लीटर जो है वो मिक्सचर, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन था मिक्सचर था वो निकाल लिया गया। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था क्या कि जो हमारे पास दे रखा हो और हम जो निकाल लेंगे वो भी जो निकलेगा वो किस रेशो में निकलेगा, इसी रेशो में निकलेगा, मतलब जो हमने 10 लीटर मिक्सचर निकाला था वो इसी रेशो में निकलेगा, ये एक बात सीखी थी। और मैंने दूसरी बात आपको ये सिखाई थी कि निकालने के बाद जो बचेगा वो भी इसी रेशो में बचेगा, यही तो सिखाया था ना मैंने भाई। यहाँ पर 10 लीटर था हमारे, एग्जाम्पल याद करो, दूध वाले को याद करो, कौन था दूध वाला, उसमें क्या था भाई, 10 लीटर था, उसने 2 लीटर निकालने के बाद 8 लीटर उसका बचा था, तो यह 8 लीटर भी उसी रेशो में बचा था, है ना, उसी रेशो में बचा था। ऐसे ही निकालने के बाद जो बचा होगा वो भी इसी रेशो में बचा होगा, तो मैं ये मान रहा हूँ कि अब जो ये रेशो है ना वो बची हुई वाली रेशो है, ठीक है। अब फिर उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर डाला गया है 10 लीटर, कौन सा, ये वाला हमारा लिक्विड बी। तो यहाँ पर ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा करने पर जो रेशो है वो 2:3 हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई कि हमने सिर्फ लिक्विड बी डाला है कितना, 10 लीटर के हिसाब से, तो रेशो ये से ये बन गई। अब देखिए सवाल समझिए, रेशो से आंसर निकल के आएगा। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमने लिक्विड ए तो नहीं डाला इसमें, इसका मतलब लिक्विड ए की रेशो तो नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लिक्विड ए की रेशो बदल चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिक्विड ए में तो हमने कुछ नहीं किया, तो लिक्विड ए की रेशो सेम रखेंगे, तो सेम रखने के लिए मैं क्या करूँ, मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2×2=4 हो जाएगा, और ये हमारा 2×3=6 हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी जो रेशो है 4:1 और 4:6 हो गई। यहां पर मैं देख रहा हूं कि अब जो ए की रेशो है 4 है, और डालने के बाद भी 4 है क्योंकि नो चेंज है, और हमने ए में कुछ किया भी नहीं है, हमने तो बी में किया है, बी 10 लीटर डाला है, 10 लीटर बी डालने पर पहले रेशो जो 1 थी वो 6 हो गई, कितने यूनिट बढ़ी, 5 यूनिट बढ़ी, और कितना डालने पर बढ़ी, 10 लीटर डालने पर बढ़ी, मतलब मैं कह सकता हूं कि 5 यूनिट बढ़ गए हैं, कब बढ़ गए हैं, जब हमने 10 लीटर उसमें वो लिक्विड डाल दिया है। तो अब क्या ये 5 यूनिट बढ़े हैं, नहीं 5 यूनिट नहीं बढ़े, ये सोचना है आपको, क्यों, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करके यूनिट बराबर किया था, इसका मतलब मल्टीप्लाई हमने इससे भी की थी, तो ये तो यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ गया था, कब बढ़ गया था, 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से बढ़ गया था। तो हम क्या करें इसको सही करने के लिए, इसको फिर बाद में 2 से डिवाइड करें यूनिट को, जब भी तो बराबर आएगा, ये सब सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। यही तो चीज़ है बस जो कॉम्पिटिशन में आएगी, और आपको अगर आता होगा तो ही आप कर पाएंगे सही, वरना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हलवा सवाल लगता है देखने में, लेकिन होता नहीं है। तो यहाँ पर ये बात सोचने वाली थी आपकी, ठीक। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 6 लाए थे, तो हमें बराबर रेशो लाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये जाएगा 2 से ही आएगा आपका 2.5 यूनिट, कितना 2.5 यूनिट जो है वो आपका 10 लीटर के बराबर है। एक यूनिट अगर मुझे यहाँ से निकालना होगा तो एक यूनिट क्या आएगा, 10 को मैं 2.5 से डिवाइड कर दूंगा, तो पॉइंट के बदले की 0 लग जाएगी, 100 बन जाएगा, 25×100 तो इसका मतलब एक यूनिट जो होगा वो 4 लीटर के बराबर होगा। इसका मतलब एक यूनिट जो होगा वो 4 लीटर के बराबर है। पूछा क्या है सवाल में, सवाल में हमसे कहा गया है कि द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी कंटेंट, हमें क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी की बतानी है, बी की 1 यूनिट है, 1 यूनिट 4 लीटर, इसका मतलब ऑप्शन ए 4 लीटर इसका सही जवाब है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज पावर, ये होती है कॉन्सेप्ट की पावर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा, कैसे उसको यूज़ करना है सवालों में, एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, ऐसे ही आएंगे, ध्यान रखना है कहाँ पर कैसे किस चीज़ का यूज़ करना है। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ठीक है, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, इसके आगे के पार्ट्स आएंगे, और उनमें क्या कवर करवाऊंगा सुन लो, उनमें मैं कवर कराऊंगा, इसमें अलग अलग बर्तनों में भी अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें अलग अलग रेशियो से पड़ी हुई हैं। एक ये होती है, एक टाइम आपकी ये बनती है कि एक बर्तन में से ये दूध
दूध निकाला पानी डाला, दूध निकाला पानी डाला, ऐसा हमने 3 बार किया या ऐसा हमने 4 बार किया, तो अब बताओ बर्तन में कितना दूध और कितना पानी रह गया। ये भी एक टाइप, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, मुझे आती है। तो ये सब आपको कब मिलेगा? ये सब आपको जब भी मिलेगा जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। जब भी वो वीडियो आने का आपको पता चल पाएगा बेल आइकन की वजह से, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब वीडियो आएगी, कब चली जाएगी और कब आपका एग्जाम आएगा, कब एग्जाम चला जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि वीडियो आ गए, डियर सर की देख डालो, फिर आप देख डालेंगे। तो हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करने के लिए धन्यवाद।